प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल ब्यूटीफुल विद इन पे। सो फ्रेंड्स, यस, मैं वापस हाजिर हूँ और एक स्किन वाइटनिंग क्रीम के रिव्यू के लिए। सो फ्रेंड्स, इस क्रीम के बारे में भी मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने कहा था, बिकॉज मेरी जो स्किन वाइटनिंग की क्रीम है उसके ऊपर बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारी क्रीम्स रिव्यू करने के लिए कह रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं। सो यस, मैं कहती हूँ कि अगर आप लोगों को कोई और वीडियो इस रिलेटेड देखना हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में लिखे। एंड इस क्रीम के रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आई थी एंड यू नो रिव्यूज़ चाहिए थे लोगों को। सो ग्रेजिया अप नाम है क्रीम का एंड इट इज़ मार्केटेड बाई गैल केयर फार्मास्यूटिकल्स। एंड मैंने पहले इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया बिकॉज आई ऑलवेज गो फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स या फिर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। पैराबीन प्रोडक्ट्स मैं नहीं यूज़ करती हूँ अपने चैनल पे, मैं डेफिनेटली वो प्रोडक्ट्स नहीं लाऊंगी जिसमें पैराबीन्स है। और अगर आप मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यू करने कहोगे बिना, तो मैं आपको पहले ये बता दूंगी कि उस प्रोडक्ट में पैराबीन्स है, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये एक ग्रेजिया अप करके क्रीम है, स्किन वाइटनिंग क्रीम, और बहुत लोग कह रहे थे कि प्लीज़ बताइए कि क्या ये काम करता है कि नहीं। सो मैंने यूज़ करा है एक मंथ इसको एंड जहां जहां पे मैंने इसे यूज किया है उसके मैंने इफेक्ट्स देखे हैं और आज मैं पूरा उसके बारे में बात करने वाली हूँ। सो बने रहे एंड ऑफ द वीडियो तक। सो इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्स में आपको मिलता है 30 ग्राम का ट्यूब जो कुछ इस तरह का है। नाउ पहले तो पैकेजिंग पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, कि मार्केट में ग्रेजिया आप करके बहुत सारी डुप्लीकेट क्रीम्स भी अवेलेबल है। सो प्लीज़ आप देखें कि आपको ये डार्क मरून कलर की ट्यूब में ही मिले एंड दिस इज़ हाउ आई गॉट इट। सो आप प्लीज़ ध्यान से देखें कि आपको एक परफेक्ट ओरिजिनल प्रोडक्ट ही मिलता है, ओके। सो पिंक कलर का कार्डबोर्ड बॉक्स है, इसमें एक मरून कलर की ट्यूब मिलती है आपको 30 ग्राम्स की एंड इट इज़ प्राइस्ड एट ₹320, ठीक है। नाउ दिस इज़ फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली एंड फ्रेंड्स, अ स्किन वाइटनिंग क्रीम कहा गया है इसे, लेकिन मैं आपको कहूँ कि स्किन वाइटनिंग जस्ट आप इसे एसोसिएट ना करें सिर्फ फेस पे, ओके। दिस इज़ अ स्किन वाइटनिंग क्रीम एंड इट कैन बी यूज एनी वेयर इन योर बॉडी, ऑन योर बॉडी, वेर एवर यू हैव अ डार्कनिंग इशू, ठीक है। तो हमें कहाँ कहाँ डार्कनिंग इशूज़ होती है बहुत लोग कहते हैं, और मेरे दूसरे जो फेयरनेस क्रीम है ना उस पर भी बहुत लोगों ने कॉमेंट किया था, क्या हम इसे यहाँ यूज़ कर सकते कि वहाँ यूज़ कर सकते। सो ये एक क्रीम है, मल्टीपर्पज़ क्रीम है, जहाँ पर भी आपको डार्क लग रहा हो, आपका बॉडी का पार्ट अनइवन हो कलर, वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका अंडर आई एरिया हो गया, ठीक है, आपके फेस से आपका अंडर आई एरिया बहुत ज़्यादा डार्क है, आप इसे वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देन इफ़ यू सी, बहुत लोगों को ये जो पार्ट होते हैं ना इसे आई थिंक नकल्स, ये बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं बाइक चला के एंड यू नो बहुत ज़्यादा काले हो गए होते हैं एंड यू विल सी इट्स वेरी ड्राइड अप ऑल्सो। सो वहाँ पे भी आप इसे लगा सकते हो। देन यू कैन अप्लाई इट अंडर योर चेस्ट एरिया, द गर्ल्स आउट देयर ब्रेस्ट के नीचे का एरिया काफ़ी डार्क हो जाता है एंड स्किन का कलर डिफरेंट दिखने को मिलता है वहाँ पे, बैक पे, नेक के पीछे, घुटनों पे। ऑब्वियसली सब कहेंगे कि डार्क नीज की प्रॉब्लम हर एक को होती है और शॉर्ट्स पहनने में प्रॉब्लम हो जाती है लड़कियों को खासकर। सो डार्क नीज, डार्क एल्बोज, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी वेर एवर यू फील इट्स डार्क। तो फुट पे भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों को फुट पे भी बहुत ज़्यादा स्किन के डिफरेंस आपको देखने मिलेंगे, आप वहाँ पे भी इसे यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ अ मल्टीपर्पज क्रीम और मैं जल्दी से इसका टेक्स्चर दिखा दूँ। 30 ग्राम्स फॉर दिस प्राइस इज़ क्वाइट अफोर्डेबल फ्रेंड्स, और एक रियल में वर्क करता है बिकॉज एक बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन प्रोडक्ट है फ्रेंड्स एंड इट डज़ नॉट हैव एनी पैराबीन। सो एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसका ऐसा टेक्सचर है, आपको जो भी एरिया डार्क है जहाँ पे भी आपको स्किन लाइटन करना है इसको आप ऐसे एज अ मॉइस्चराइजर, एज अ क्रीम इसे अच्छे से लगा लीजिए। एंड आई वुड सजेस्ट कि आपको रिजल्ट अगर जल्दी चाहिए तो रात को सोने से पहले उस एरिया में लगाना मैंडेटरी है ताकि वो ओवरनाइट वर्क करे। फ्रेग्रेंस इसकी बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है, दैट्स व्हाट आई लव अबाउट दीज प्रोडक्ट्स, बिकॉज यू नो आप लोग मुझे रिकमेंड करते हो, मैं पूरा टेस्ट करती हूँ एक महीना एंड आई रियली फील लाइक यू नो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है ये। एंड यू नो अगर आपको स्किन पे भी पिगमेंटेशन हो, मैं नहीं कहूँगी कि आप अपने पूरे चेहरे पे लगाओ, जहाँ पे भी आपको डार्कनेस की इशू हो वहाँ पे आप इसे अच्छे से लगा लीजिए, ठीक है। सो ये काफ़ी अच्छा क्रीम है फ्रेंड्स फॉर दैट रिगार्ड्स एंड आई टोटली लाइटेड, ये सभी एरियाज पे आप लगा सकते हो जहाँ पे भी आपको लगे वहाँ पे। सो दैट्स व्हाट आई रियली लाइक अबाउट इट। नाउ बहुत लोग पूछेंगे क्या मैम इसे हम एज अ फेयरनेस क्रीम लगा सकते हो, क्या फिर आप इसे अपने फुल फेस पे लगा सकते हो? यस डेफिनेटली, आपको अगर स्किन वाइटनिंग क्रीम की तरह इसको अपने फेस पे भी लगाना है आप लगा सकते हो। जस्ट टेक अ फेस वॉश विद अ माइल्ड क्लेंजर, उसके बाद आप पैड ड्राई करिए अपनी स्किन को, पहले
ड्राई होने दीजिए एंड देन अप्लाई अ फ्यू डॉट्स ऑन योर फेस एंड मसाज इट, एज सिंपल एज दैट। एंड आप धूप में भी जा सकते हो, सब कुछ। बहुत लोगों की ये भी क्वेरीज होती है कि मैम स्किन वाइटनिंग क्रीम्स के साइड इफेक्ट्स है क्या, तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। लॉन्गर टाइम जितना आप इसे यूज करोगे आपको उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा देखने मिलता है फ्रेंड्स। बहुत लोग क्या करते हैं कि कुछ दिन अप्लाई करते हैं एंड देन दे वॉन्ट टू सी अ मैजिक, ऐसा नहीं होता है। कोई भी क्रीम आपको लगातार एटलीस्ट फॉर 30-35 डेज लगाना है, तभी आपको उसका रिजल्ट देखने मिलता है फ्रेंड्स। प्लीज इसे एज अ चमत्कारी प्रोडक्ट या 7 दिनों में या 10 दिनों में जो ये कहते हैं लोग, वैसा नहीं है। आपको इसे लगातार यूज करना है एंड यू विल सी अ स्किन लाइटनिंग इफेक्ट अगर इसे प्रॉपरली यूज किया जाए तो। इसका साइड रिवर्सल कभी नहीं होता है। अगर आपने अचीव्ड रिजल्ट मिल गया, को लगा कि आपके डार्क सर्कल्स लाइट हो गए हैं, बहुत अच्छे से इसका काम किया है, तो ऐसा नहीं है कि इसको बंद करने से आपके डार्क सर्कल्स वापस आ जाएंगे या फिर जो भी एरिया आपने यूज़ कर किया है जिस एरिया पे वो वापस वैसा हो जाएगा इसको बंद करने से, ऐसा कुछ नहीं है। बस उस एरिया का ध्यान रखें, जैसे कि अगर आपने अंडर आर्म्स के लिए इसे यूज़ किया, बहुत लोगों को अंडर आर्म्स के लिए ब्लैक इशू होता है, लाइक पूरा काला होता है अंडर आर्म्स, तो उसको वाइटन करने के लिए सबसे बढ़िया क्रीम है फ्रेंड्स। बहुत लोगों ने मुझे दूसरे क्रीम्स के बारे में पूछा था कि क्या मैम इसे अंडर आर्म्स वाइटन हो सकते हैं, तो फ्रेंड्स दिस इज द क्रीम विच यू कैन गो फॉर इफ यू वॉन्ट टू लाइट in your private parts, even the private parts, okay, उसको भी आप lighten कर सकते हो इस क्रीम से। इतना अच्छा है और इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। बस इसे एक्सटर्नली ही यूज करें, इंटरनली ना जाने दे। एंड ऑल्सो कि मैं कह दूं कि आपको आपका अचीव रिजल्ट मिलने के बाद उस जगह का ध्यान रखना है। जैसे अगर अंडर आर्म से अगर आप रेजर इस्तेमाल करोगे तो आपकी स्किन डार्क होने ही वाली है फ्रेंड्स। सो आफ्टर यू गेट एन अचीव रिजल्ट, आपको एक रिजल्ट मिल जाए, उसके बाद सी टू इट दैट यू क्लीन दैट एरिया नाइसली, टेक केयर ऑफ दैट एरिया प्रॉपरली। सो आप देखोगे कि आपका जो स्किन का जो कलर अच्छा हुआ है वो वैसे ही मेंटेन रहेगा। सो मेंटेन रखना आपके हाथों में है। सो यस फ्रेंड्स, दिस वॉज इट अबाउट द रिव्यू ऑफ ग्रेजिया अप स्किन व्हाइटनिंग क्रीम। आई होप आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। मुझे ये क्रीम काफी अच्छी लगी है, इसके साइड इफेक्ट्स मुझे कुछ देखे नहीं है मैंने। एंड प्लीज अगर आप पहली बार कुछ भी प्रोडक्ट ट्राई करते हो तो एक पैच टेस्ट जरूर कर लेना। कुछ 2 या 3 दिन आप अपने कानों के पीछे या एल्बो के साइड पे आप लगा के देख लीजिए कि छोटी छोटी सी दानियां या फिर कुछ पिंपल्स जैसे इश्यूज या आपको इचिंग या फिर कुछ रेडनेस तो नहीं हो रही। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है सो इट्स सेफ टू यूज ऑन योर स्किन एंड यू कैन डेफिनेटली कंटिन्यू यूजिंग इट। अगर आपको कोई भी साइड इफेक्ट्स ऐसा छोटा सा रैश या ऐसा कुछ आता है तो डेफिनेटली आपको ये इंग्रेडिएंट सूट नहीं कर रहा है और आपका स्किन सेंसिटिव है, तो आप इसे ना यूज करें। दैट्स इट अबाउट फ्रेंड्स अबाउट द ग्रेजिया अप क्रीम, स्किन व्हाइटनिंग क्रीम। आई होप आपको इसका रिव्यू अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज एक बड़ा सा लाइक दे देना इस वीडियो के नीचे और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर भी करना इस इन्फॉर्मेशन को। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो येस, वेलकम टू माई फैमिली। आपको मेरी फैमिली में जुड़ना है, जाने से पहले करना है सब्सक्राइब और साथ ही में छोटी सी बेल आइकन को हिट करना है ताकि ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए और भी लेकर आऊं। टिल देन आई सी यू इन माय नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। आप अपना ध्यान रखना और हमेशा हंसते रहना।